और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आतंकी वारदातों को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश, T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने की मांग। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, बोले आतंक को जवाब देने के लिए मैच रद्द करना जरूरी। घाटी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, पुंछ में दहशतगर्दों से मुठभेड़, पूरे इलाके को जवानों ने घेरा। चुनाव से पहले यूपी में सियासी गर्मी, योगी बोले 4.5 साल में नहीं हुआ एक भी दंगा, अब फसाद किया तो 7 पीढ़ियां भरेंगी मुआवजा। अखिलेश यादव बोले विकास के लिए योगी नहीं योग्य सरकार चाहिए। 24 घंटे के अंदर ही सोनिया गांधी के फरमान का उल्लंघन, सिद्धू ने 4 पेज की चिट्ठी में उठाए 13 मुद्दे, चन्नी पर साधा निशाना, बोले माफिया से जुड़े लोगों का राज्य चल रहा है। केरल में भारी बारिश से तबाही, अब तक 26 लोगों की मौत, सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पीएम मोदी ने हर संभव मदद का किया आश्वासन। बिजली आपूर्ति को लेकर गंभीर, मुख्यमंत्री गहलोत सीएम आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक, कोयले की उपलब्धता और बिजली की मांग आपूर्ति को लेकर मंथन। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक, सरकार के खिलाफ जारी किया ब्लैक पेपर, 15 दिसंबर को राजस्थान में बड़े आंदोलन की तैयारी, 28 अक्टूबर से बीजेपी अभियान का करेगी आगाज। पूर्व मंत्री महिपाल मदेना का निधन, पैतृक गांव चाडी में हुआ अंतिम संस्कार, बेटी दिव्या और रूबल मदेना ने दी मुखाग्नि, मुख्यमंत्री गहलोत ने जताया शोक। जयपुर के बस्सी में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित डंपर ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूटी सवार गर्भवती महिला की मौत, पति घायल, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। धौलपुर पुलिस ने फिर दिखाया साहस, हथियारबंद बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने पीछा कर कराया सरेंडर, कई हथियार और कारतूस बरामद। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर जोगनेर के कालख बांध पहुंचे, भाजपा कार्यकर्ताओं ने राठौर का जोरदार स्वागत किया, केंद्र सरकार के 7 साल का कार्यकाल पूरा होने पर संगठन को मजबूती देने के लिए बैठक की। सिरोही नगर परिषद क्षेत्र में सड़कों के हाल बेहाल है, गड्ढे होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनादरा चौराहे से सांडेश्वर रिको इंडस्ट्री एरिया तक आने वाले सभी मुख्य सड़कों पर हालत खराब है और पानी भरा हुआ है। शिवा बड़ौद में शॉर्ट सर्किट के चलते बाइक में आग लग गई, लोगों ने समय रहते हुए आग पर काबू पाया, वहीं आग से लोगों में हड़कंप मच गया। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके में लावारिस मिले बीमार युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, शिनाख्त छाली निवासी पप्पू गमेती के तौर पर हुई, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार किया गया। उदयपुर के बेकरिया थाना क्षेत्र के पास एक ट्रेलर बेकाबू होकर डिवाइडर पर पलट गया, हादसे में चालक और खलासी को हल्की मामूली चोटें आईं, गनीमत रही कि उसकी चपेट में कोई वाहन नहीं आया जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। उदयपुर के गोगुंदा सहित आसपास क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी का दौर चल रहा है जिससे मौसम सुहाना हो गया है, साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। झालावाड़ के अकलेरा के गुलेडी डैम पर मिले शव की पहचान किशन यादव के रूप में हुई, आपको बता दें मृतक के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाई थी। नागौर के डीडवाना के पंडित बच्छराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर में पूर्व छात्र परिषद समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, विद्यालय के पूर्व छात्र स्वर्गीय दीनदयाल दलाल की पुण्य स्मृति में ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। दौसा के सिकराय में मंत्री ममता भूपेश ने सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, निहालपुरा भंडारी भाडंग्या वास गांव सड़क मार्ग का शिलान्यास किया। पाली की सादड़ी पुलिस ने डोडा पोस्ट से भरी स्कॉर्पियो को जब्त किया, 450 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ, रणकपुर चौकी नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया। ब्यावर के मेघवंशी छात्रावास में 5 कमरों और बरामदों का निर्माण कार्य शुभारंभ हुआ, इस दौरान समाज के कई लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा नगर परिषद सभागार में गुर्जर महासभा ने जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह और विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें जिले के प्रतिनिधियों के सम्मान के साथ ही समाज सुधार के लिए मंथन भी किया गया। अजमेर के ब्यावर के महावीर इंटरनेशनल चिकित्सा सेवा केंद्र में निशुल्क मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, महावीर इंटरनेशनल और HCG हॉस्पिटल की ओर से आयोजित किया गया। अजमेर के ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों ने अस्पताल के नव नियुक्त PMO डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान का माला पहनाकर अभिनंदन किया, इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने PMO से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की।
नागौर के मेड़ता सिटी के पूर्व सांसद गोपाल सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया और परिवार को ढांढस बंधाया। डूंगरपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से दो युवाओं का आईएएस में चयन होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के गुप्ता रहे। डूंगरपुर में 7 दिन पहले जन्मी बेटी को मिलने आए पिता की हडमातिया गांव के पास सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अजमेर के ब्यावर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल की ओर से सेवा दल चल गांव गली सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। शहर के सेंद्रा रोड स्थित बालाजी टावर से सदस्यता अभियान को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। नागौर के डीडवाना में एक बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। करौली के हिंडौल सिटी के सूरोठ थाना क्षेत्र के बमनपुरा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। झगड़े में एक पक्ष ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया जिसमें एक पक्ष के 3 सगे भाई घायल हो गए। दौसा में आधे घंटे तक जमकर बारिश हुई। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा वहीं किसान खुश नजर आए। प्लॉट पर कब्जा मामले को लेकर एक महिला समेत परिजन लोहावट पुलिस थाने के आगे धरने पर बैठ गए। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। भीलवाड़ा के नेहरू रोड स्थित महेश स्कूल में श्री महेश स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम भवन का शिलान्यास हुआ। कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने महेश सेवा समिति का आभार जताया। प्रतापगढ़ में हथियार की सप्लाई करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उसको जेल भेजने के आदेश दिए। राजस्थान की यात्रा पर निकले जोधपुर के तनिष्क गौड़ का चूरू पहुंचने पर ब्राह्मण महासभा ने स्वागत किया। आपको बता दें फिट रहने का संदेश देने के लिए इस यात्रा के लिए तनिष्क गौड़ निकले हैं। मनोहर थाना में जश्न ईद मिलान दुनिबी के मौके पर रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यावर में ओढ़नी में लिपटा नवजात का शव झाड़ियों में मिला। रेलवे लाइन के आसपास कचरा बीन रहे युवक को इस पर उसकी नजर पड़ी। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखाया। तारानगर विधायक नरेंद्र बुदानिया ने बालिया में राजकीय स्कूल के मेन गेट समेत कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। ग्रामवासियों ने हिवाराम सहारण के नेतृत्व में अतिथियों का साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। बाली में रणकपुर सड़क मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। नाकाबंदी दौड़कर भाग रहे स्कॉर्पियो से 450 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया गया। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। फतेहपुर इलाके में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। दिनभर में कभी तेज और कभी रिमझिम बारिश हुई। खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान होने की आशंका है। कुम्हेर में झमाझम बारिश देखने को मिली। वैज्ञानिक डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि ये बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगी। मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। इंद्रदेव की मेहरबानी के चलते रुक रुक कर बारिश होती रही। बांसवाड़ा के गढ़ी इलाके में झंडे लगाने को लेकर विवाद के बाद कलेक्टर और एसपी परता कस्बे पहुंचे। विवाद को सुलझाने में प्रशासन लगा है। आपको बता दें घटना में 6 लोग घायल हो गए थे। बाड़मेर में मामूली विवाद को लेकर आरजीटी थाना क्षेत्र के मालपुरा गांव में 2 गुटों में भिड़ंत हो गई जिसमें दोनों ही पक्षों के लोगों को चोट लगी जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भावी से खीवसर तक 98 किलोमीटर लंबे बन रहे स्टेट हाईवे 86C का काम साथीन गांव में 3 महीनों से बंद पड़ा है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। रतनगढ़ में हरासर सड़क मार्ग पर बाइक सवार शख्स का शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। परिजनों के पहुंचने के बाद मोर्चरी में रखवाया। सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश करना एक युवक को महंगा पड़ गया। इस मामले में सादुल शहर पुलिस ने यूपी के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक के पास से 9 जिंदा कारतूस बरामद किए। युवक सोशल मीडिया पर ऐप के जरिए कॉलिंग कर हथियार की खरीद और बिक्री करता था। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर एक संदिग्ध युवक को बीएसएफ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। युवक बाड़मेर के गडरा रोड फॉरवर्ड चौकी के आसपास घूम रहा था। पुलिस ने बताया कि बीएसएफ ने एक संदिग्ध को सौंपा है जो अपना नाम विकास गुप्ता बता रहा है और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का रहने वाला बता रहा है। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है।
सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने वैदिक आश्रम पीपराली में आयोजित महायज्ञ में हिस्सा लिया। महायज्ञ का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ समापन हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की मंशा हमेशा रहती है राजनीति करने की। इस महायज्ञ में कहीं राजनीति नहीं की गई है। राजनेता भी मनुष्य होता है, वो भी कर्म करना चाहता है, धर्म करना चाहता है, और इसलिए इस यज्ञ में राजनीति से जुड़ी कोई बात नहीं है। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक झुंझुनू पहुंचे। झुंझुनू पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वो शहीद स्मारक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शेखावटी खासतौर से झुंझुनू शहीदों के और सैनिकों का जिला है। झुंझुनू के बेटे देश की रक्षा करने में सबसे अव्वल हैं। राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जोधपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, कानून व्यवस्था को चौपट बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में होने वाले दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छे परिणाम मिलेंगे। बाड़मेर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ की ओर से साइकिल रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान 15 जवानों की रैली रेथनवाला चौकी से रवाना हुई। रैली 723 किलोमीटर यात्रा कर 27 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया पहुंचेगी। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी इस रैली को हरी झंडी दिखा चुके हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अब पर्यटकों के लिए नया आकर्षण भी जुड़ गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जू से चौसिंगा का एक जोड़ा लाया गया है। रायपुर चिड़ियाघर की टीम इस जोड़े को जयपुर लेकर आई। इसके बदले में यही टीम जयपुर से चिंकारा के दो जोड़े रायपुर लेकर रवाना होगी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह जोधपुर दौरे पर हैं। गिरिराज सिंह ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास स्थल पर पहुंचकर उनकी माताजी के निधन पर शोक जताया। इसके बाद उन्होंने वार्ता करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में वाल्मीकि समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरण के बाद न्यायाधीश जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने पर हाईकोर्ट के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जेईई एडवांस्ड के हाल में घोषित परिणामों में कीर्तिमान कायम करने के बाद काव्या चोपड़ा अपने शिक्षकों सहपाठियों से मिलने पहुंची। काव्या जेईई एडवांस्ड में टॉप 100 में जगह बनाने वाली अकेली गर्ल उम्मीदवार है। साथ ही जेईई मेंस में 100% स्कोर करने के बाद गर्ल्स कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली स्टूडेंट है। काव्या ने कहा कि मैथ्स फिजिक्स मेरे फेवरेट हैं, आईआईटी मुंबई से बीटेक करना चाहती हैं। भाजपा लघु प्रकोष्ठ के सह संयोजक और पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर राका के जन्मदिन पर बीकानेर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। ये पहली बार है बीकानेर में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। डीडवाना और आसपास के क्षेत्रों में कहीं मूसलाधार तो कहीं रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। क्षेत्र में हो रही बारिश ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। इस बार पहले ही बारिश से किसानों की ज्यादातर फसलें खराब हो चुकी हैं, वहीं अब फिर से हुई शुरू बारिश के दौर ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सीकर में अचानक मौसम बदला और बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया, इससे किसानों की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ गई। बारिश के कारण कटी हुई फसलें खराब होने का डर किसानों में साफ देखा जा सकता है। बारिश से फसलों के गलने दाना काला पड़ने की चिंता किसानों को सता रही है, वहीं बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वैदिक आश्रम पीपराली में दृष्टि समृद्धि महायज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। वहीं किसान संगठन ने आश्रम पीपराली में पहुंचने वाले राजनेताओं को काली झंडी दिखाने की चेतावनी भी रखी है। तो वहीं सांसद सुमेधानंद का वहां पर साधु संतों ने भव्य स्वागत किया। वैदिक आश्रम पीपराली में महायज्ञ का आयोजन हुआ। कुराबर में सड़क हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि 1 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों शवों और घायलों को उदयपुर MB अस्पताल भिजवाया गया। जानकारी के अनुसार तीनों इडाना माताजी की तरफ से समन्ना की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में ये हादसा हो गया। सूचना पर कुराबर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मौका कार्रवाई करके मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। वल्लभ नगर से टिकट के दावेदार रहे ओमकार लाल मीनारिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे उपचुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट के पक्ष में काम करेंगे और हमारी विजय होगी। झुंझुनू के किठाना गांव के युवक सुनील सेन ने महज 30 साल की उम्र में बीते 20 साल से विभिन्न देशों की करेंसी जमा की है। फिलहाल सुनील के पास 100 देशों के सिक्के और देशी विदेशी नोट सहित भारतीय करेंसी के 786 सीरीज के हर नोट हैं। सीकर में अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया।
इससे किसानों की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ गई हैं। बारिश के कारण कटी हुई फसलें खराब होने का डर किसानों में साफ देखा जा सकता है। डीडवाना और आसपास के क्षेत्रों में कहीं मूसलाधार तो कहीं रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। क्षेत्र में ही हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल किसान खेतों में पड़ी फसलों को ढक कर बचाने में जुटे हैं। दीपावली का पर्व नजदीक है और ऐसे में परंपरागत व्यवसाय से जुड़ा कुम्हार वर्ग खासा उत्साहित है। बोली में कुम्हार परिवार अपने पुश्तैनी व्यवसाय में जुट गया है और मिट्टी में दीपक बनाने शुरू करते हैं। नागौर के लाडनू में दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए पुलिस रोज शाम को पैदल गश्त कर रही है। इस दौरान थाना अधिकारी राजेंद्र कमांडो ने व्यापारियों से त्यौहार के बारे में जानकारी ली और सौहार्दपूर्ण त्यौहार मनाने की अपील की। नागौर के नावा के नमक औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 4 माह से पसरा सन्नाटा अब दूर होने लगा है। मौसम साफ होते ही नमक उत्पादकों ने अब क्यारियों में सफाई कार्य शुरू करना कर दिया है। जयपुर के सांगानेर में राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व महासचिव अमित शर्मा के जन्म दिवस पर वाटिका सरपंच लोकपाल सिंह ने उन्हें बधाई दी और युवाओं से रक्तदान करने की अपील की। अजमेर के पीसांगन क्षेत्र में मच्छरों के प्रकोप से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग हरकत में आ गया। चिकित्सा विभाग की टीम कीटनाशक का छिड़काव करते हुए फॉगिंग करने में जुट गई है। श्रीगंगानगर के सातुल शहर के बुधरवाली गांव में चोरों ने पूर्व डायरेक्टर के पुत्र के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और सोने के जेवरात समेत नकदी पार कर ले गए। नागौर के रियाबड़ी के जसनगर गांव के रियासत कालीन कोर्ट का जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अवलोकन किया, जिसके बाद कस्बे के पौराणिक शिव मंदिर और चंद्र प्रभु जैन मंदिर में दर्शन कर महादेव की पूजा की। नागौर के रियाबड़ी के लखीना गांव के 25 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कोटा के रेलवे कॉलोनी के तुल्लापुरा में बीती रात एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे घायल कर दिया गया। वारदात के बाद मौके से हमलावर फरार हो गए, जिनकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। अजमेर के भिनाए के सदर बाजार में स्थित तकिए की दीवार को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया और सार्वजनिक नाले से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित न्यू मार्केट सब्जी मंडी इलाके में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। नागौर के मेड़ता सिटी का पूर्व सांसद गोपाल सिंह शेखावत ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से अपने लोकप्रिय नेता का जगह जगह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नागौर के मेड़ता सिटी के पुष्टिकर गार्डन में नव मनोनीत पार्षद का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सभी नव मनोनीत 6 पार्षदों को माला और साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे के हरनावदास शाहजी रोड पर पैदल जा रहे महिला के ऑटो ने टक्कर मार दी, जिससे महिला घायल हो गई। झालावाड़ में ये वर्ष किसानों के लिए मुसीबत और आफत भरा रहा, क्योंकि ज्यादा बारिश होने से किसानों की फसलें खराब हो गई और अब बची कुची फसलों को किसान समेटने में लगे हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी क्षेत्र के नागल में ACC नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन RPAC के पूर्व सदस्य शिवपाल सिंह नंगल और कांग्रेस यूथ जिला उपाध्यक्ष सुनील महिला ने किया। नागौर के खीपसर कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में SDM ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान SDM ने लैब में वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन से मरीजों की जांचों के बारे में जानकारी ली। जयपुर के हरमाड़ा इलाके के टोडी मोड़ पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। सिरोही के आबू रोड के शांति वन में ITBP जवानों की साइकिल रैली पहुंची। इस दौरान संस्थान के लोगों ने जवानों का स्वागत किया। बीते 12 अक्टूबर को सदर थाना क्षेत्र के खनपुरा गांव के पास हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 4 हो गई। हादसे के दिन 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। सवाईमाधोपुर के बोली के कुछ इलाकों में टूटी सड़कें परेशानी का सबब बन गई। जिले की बैरवा ढाणी पर सड़क मार्ग दुरुस्त न होने से ग्रामीणों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। उदयपुर जिला क्रिकेट संघ चुनाव राजपुताना रिसोर्ट में संपन्न हुए। चुनाव में सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए।